कटनी जिले के शासकीय तिलक कॉलेज में बीए के 80% छात्र छात्राएं फेल हो गए हैं, जिसका एबीवीपी और एनएसयूआई छात्र संगठन ने कॉलेज प्रांगण में विरोध किया और छात्र छात्राओं ने अपनी अपनी अंक सूचियां जलाई। जानकारी के मुताबिक बीए के परीक्षा परिणाम में लगभग 320 विद्यार्थियों को हिंदी विषय में पूरक का दर्शाया गया है, जिसके चलते विद्यार्थी नाराज है। छात्र छात्राओं ने कॉलेज के प्रिंसिपल के विरोध में नारेबाजी की। छात्रों के नारेबाजी को देखते हुए एनकेजे थाना पुलिस बल तिलक कॉलेज पहुंचा और छात्रों को समझाने की कोशिश की। वहीं इस पूरे मामले पर कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि पूरी गलती रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सीसी के नंबर नहीं जोड़े, जिस कारण से 450 छात्रों में से 90% छात्र फेल हुए हैं या फिर उनकी सप्लीमेंट्री आई है। प्रबंधन ने कहा कि विद्यार्थी आवेदन करेंगे तो उनके रिजल्ट में सुधार किया जाएगा। 420 छात्र हैं, जिनमें से मेजर माइनर ओपन इलेक्टर तीनों छात्र हैं हिंदी, जिसमें से किसी भी के सीसी के नंबर एक भी नहीं चुने हैं। और सर बोल रहे हैं ऐसे बीकॉम का रिजल्ट आया, सर बोले 10 तारीख तक भी सबका सुधर जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं सुधरा। सर यहाँ आए कि आप अपनी अपनी वेबसाइट में देखिए, रिजल्ट सुधर गया बी ए फर्स्ट ईयर वाले, लेकिन हम देखें यहाँ अभी भी नहीं सुधरा है। लगातार जब भी रिजल्ट आता है, पिछले 3 सालों से बात करी है, लगातार रिजल्ट आता है तब भी पूरे छात्र फेल हो जाते हैं। अगर एक क्लास में 440 छात्र हैं तो 439 छात्र फेल हो जाते हैं, यहाँ तक पूरी क्लास को फेल कर दिया गया। पिछले 2 महीने पहले भी काम का रिजल्ट आया था, उसमें भी फेल कर दिया गया था। अभी हाल ही में बीए का, उसमें लगातार 80 कितने बच्चे थे, 440 बच्चे थे बीए में, पूरे के पूरे फेल हो गए। इसका प्रूफ हमारे पास है, ये मार्कशीट के जरिए आप देख सकते हैं। 440 बच्चे हैं हमारे पास, किस संकाय के? ये 8 खड़ा संकाय के हैं और इसमें हिंदी विषय ऐसा है जिसके कि मार्क्स जो है उसमें पोर्टल में अपलोड नहीं हो पाए थे, और ये अपलोड करने के लिए यहाँ से हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय भेजी गई थी। तो विश्वविद्यालय में पता नहीं क्या मिस्टेक हुई, क्या चूक हो गई उनसे, जिसके कारण उन्होंने बगैर इनके अंक एंटर किए हुए और रिजल्ट घोषित कर दिया। रिजल्ट घोषित करने के कारण इनका जो है परीक्षा पढ़ना पूरा प्रभावित।